हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू ग्रो एंड शाइन इन दिस वीडियो यू आर गोइंग टू गेट द सॉल्यूशन ऑफ चैप्टर टू ब्रॉबडिकैन सो लेट्स गेट स्टार्टेड व्हाई डिड द कैप्टन ऑफ द शिप सेंड हिज मैन टू द शोर शिप के कैप्टन ने अपने आदमियों को समुद्री तट पर क्यों भेजा आंसर द कैप्टन ऑफ द शिप सेंट हिज मैन टू द शोर इन सर्च ऑफ वाटर शिप के कैप्टन ने शोर पर अपने आदमियों को पानी की खोज में भेजा सेकेंड क्वेश्चन वॉट डिड द गुलीवर सी एज ही वॉक्ड अलॉन ऑन दी अदर साइड ऑफ द आइलैंड आइलैंड की अदर साइड वॉक करते हुए अकेले गुलीवर ने क्या देखा एज एज ही वॉक्ड अलॉन ऑन द अदर साइड ऑफ द आइलैंड गुलीवर सो दैट द कंट्री वॉज ऑल बैरन एंड रॉकी आइलैंड के दूसरे साइड अकेले चलते वक्त गुलीवर ने देखा कि पूरी कंट्री बैरन और रॉकी है यानी बंजर और पथरीली वॉट Gulliver गुलीवर डू आफ्टर ही सो huge क्रिएचर वॉकिंग बिहाइंड द सेलर्स नाविकों के पीछे चलते हुए एक बड़े से क्रिएचर को जब गुलीवर ने देखा तो उसने क्या किया When Gulliver गुलीवर सो अज क्रिएचर वॉकिंग बिहाइंड द सेलर्स ही रैन एज फास्ट एज ही कुड एंड क्लाइंब अप अ स्टीप हिल जब गुलीवर ने देखा कि नाविकों के पीछे एक बड़ा सा क्रिएचर चल रहा है तो वो जितनी जल्दी हो सकता था दौड़ कर ऊपर खड़ी पहाड़ी पर चढ़ गया वट वॉज द giant doing एट द टॉप ऑफ़ द स्टाइल वो giant यानी विशाल का है जो बड़ा सा creature था उसकी बात हो रही है यहाँ पर वो स्टाइल के टॉप पर क्या कर रहा था स्टाइल का मतलब मैं चैप्टर में बता चुकी हूँ एक सीढ़ी नुमा जो आकार होता है या सीढ़ी जिसको बोल सकते हैं या फिर खेत में जो पौड़ी होता है उसको हम स्टाइल बोल रहे हैं यहाँ पर So स्टाइल के टॉप पर वो जाइंट क्या कर रहा था द जांट वॉज लुकिंग बैक इन टू द नेक्स्ट फील्ड ऑन द राइट हैंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टाइल स्टाइल के टॉप से वो अपने दाहिनी हाथ की तरफ दूसरे फील्ड में यानी दूसरी साइड जो खेत था उसमें वो देख रहा था ही वॉज़ कॉलिंग आउट टू टू हिज मैन इन अ वेरी लाउड वॉइस और वो अपने आदमियों को बहुत ही तेज़ आवाज़ के साथ बुला रहा था हु केम टू द जाइंट ऑन हियरिंग हिज वॉइस जाइंट्स की आवाज़ सुनने पर कौन उसकी तरफ आए वॉट वर दे होल्डिंग इन दियर हैंड्स और उन्होंने अपने हाथ में क्या होल्ड किया हुआ था या क्या पकड़ा हुआ था सेवन अदर जाइंट्स केम टुआर्ड द जाइंट ऑन हियरिंग हिज लाउड वॉइस उसकी तेज़ आवाज़ सुनने के बाद सेवन अदर जॉइंट्स भी उसकी तरफ आ गए दे वर होल्डिंग रीपिंग हुक्स इन देयर हैंड्स ईच हुक एज लार्ज एज सिक्स साइट्स और उनके हाथों में रीपिंग हुक्स थे यानी कि हसिया थे और हर हंसिया जो है छः साइट्स के बराबर था साइट्स जो है होता है दराती तो ये जो साइट्स हैं और हुक्स हैं ये सारे इंस्ट्रूमेंट हैं टूल्स हैं जो फील्ड में खेत में काम करने में यूज़ होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वॉट डिड द जाइंट आस्क दैम टू डू उस जाइंट ने उनसे क्या करने को कहा द जाइंट आस्क देम टू रीप द कॉर्न उस जाइंट ने उनसे कॉर्न को रीप करने के लिए कहा रीप का मतलब होता है फसल की कटाई करना तो यहाँ पर कॉर्न की जो फसल थी उसकी कटाई करने की बात की गई थी वाई डिड गुलीवर स्क्रीम वेन वन ऑफ द रीपर्स केम क्लोज टू हिम जब उन कटाई करने वालों में से एक उसके नियर बाई आ गया क्लोज आ गया तो गुलीवर क्यों चिल्लाया स्क्रीम का मतलब होता है बहुत तेज चीखना या चिल्लाना और रीपर्स का मतलब होता है कटाई करने वाला या फसल काटने वाला वेन वन ऑफ द रीपर्स केम क्लोज टू हिम जब उनमें से एक रीपर उसके क्लोज आता है ग्लीवर ड्रेडिड ग्लीवर जो है बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाता है डर जाता है दैट विद द नेक्स्ट स्टेप द जाइंट टुक कि उसको लगता है कि अगर उसने एक भी कदम उस जॉइंट ने आगे बढ़ाया ही वुड बी स्क्वैस टू डेथ अंडर द जांट्स फूड उसको लगता है कि उसके एक कदम के नीचे जो है वो आ करके कुचल दिया जाएगा स्क्वैश का मतलब होता है कुचल जाना तो उसको लगता है कि कुचल करके वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा और कट इंटू टू विद हिज रीपिंग हुक और या तो फिर उसके हंसिया से जो है वो दो पीस में कट जाएगा दिस मेड गुलीवर स्क्रीम इन फियर और इसी की वजह से इसी डर की वजह से गुलीवर जो है चीख जाता है चीख लेता है या फिर चिल्लाता है वट डिड द रीपर डू आफ्टर ही सॉ गुलीवर लाइंग ऑन द ग्राउंड नियर हिज फीट रीपर ने क्या किया जब उसने देखा कि गुलीवर उसके पैरों के पास उसके कदमों के पास ज़मीन पर लेटा हुआ है वेन द रीपर सो गुलीवर लाइंग ऑन द ग्राउंड नियर हिज फीट जब रीपर ने गुलीवर को अपने पैरों के पास ज़मीन पर देखा लेटे हुए ही him एट हिम कॉशियसली while. वो उसको कुछ देर तक उसने बहुत ही ध्यान से उसको देखा ही देन पिक्ड गुलीवर अप बिटवीन हिज फोर फिंगर एंड थम और फिर उसने अपने अंगूठे और अंगूठे के बाद जो तर्जनी उंगली होती है उन दोनों के बीच में फंसा के मतलब उसको उठा लिया एंड ब्रॉट हिम नियर हिज आइज टू हैव अ क्लोजर लुक एट हिम और उसको अपनी आंखों के पास लाकर के बहुत ध्यान से उसका क्लोजर लुक देखता है यानी कि वो बहुत ध्यान से उसको देखता है अंडरस्टैंड करने के लिए बेसिकली वट वॉज़ ग्लीवर्स फियर एज ही वॉज हेल्ड इन द एयर बाय द जाइंट जाइंट के द्वारा जब उसको हवा में ऐसे ऊपर उठा लिया गया तो ग्लीवर का क्या डर था ग्लीवर को किस चीज़ का डर था फिर एस गुलीवर वॉज हेल्ड इन द एयर बाई द जाइंट जैसी जाइंट के द्वारा हवा में गुलीवर को ऊपर उठाया गया हिस्सर वॉज दैट द जाइंट वो डैश हिम अगेंस्ट द ग्राउंड एनी मोमेंट और उसी टाइम गुलीवर को ये डर था कि कहीं वो जाइंट वो विशाल का है उसको जमीन पर उठा के पटक ना दे किसी भी क्षण लेट्स कम टू द कॉम्प्रिहेंशन पार्ट एक्सरसाइज ए कम्प्लीट दिज सेंटेंसेज फर्स्ट सेंटेंस है हमारा द जाइंट वॉज अनेबल टू ओवरटेक द बोट बिकॉज The boat was ahead of him by half a league, and the sea there was full of pointed rocks. Second Gulliver could not see anything on either side as he walked through the barley field because the corn stalks rose up to at least forty feet. One, the barley field was fenced with a hedge that was at least one twenty feet high. Fourth, the giant whom Gulliver saw advancing toward the stile appeared as tall as. एंड ऑर्डिनरीपायर्स टीपल एंड टुक न्यूरली टेन यर्स एट एवरी स्टार्ट फिफ्थ वन इज़ द जांट वॉज कॉलिंग इन अर वॉइस लाउडर देन अ स्पीकिंग ट्रम्फिल लास्ट वन गुलर इनिशियली मिस टुक द जाइंट वॉइस फॉर थंड नेक्स्ट एक्सरसाइज इज रीड दीज सेंटेंसेज एंड आंसर द क्वेश्चन यहाँ पर कुछ सेंटेंसेज हैं फिर उसके बिहार में तीन क्वेश्चन पूछे गए सो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा चैप्टर में से आई नाउ बिगेन टू बी व्यरी इसके बाद आप चैप्टर में से देख लीजिएगा और आगे एक दो पैराग्राफ तक पढ़ लेना इसके बिहार से पूछा गया है आपसे पहला क्वेश्चन वेयर वॉज गुलीवर एट दिस पॉइंट इन द स्टोरी इस पॉइंट पर गुलीवर इस स्टोरी में कहाँ है या कहाँ था सेकेंड क्वेश्चन है वाई वॉज़ ही बिगिनिंग टू फील व्योरी वो थकना क्यों शुरू हो गया था वॉट डिड गुलीवर डू नेक्स्ट वाई गुलीवर ने उसके बाद क्या किया और क्यों फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है एट दिस पॉइंट इन स्टोरी, गुलीवर वॉज वंडरिंग अबाउट ऑन द आइलैंड अबाउट अ माइल ऑन द अदर साइड ऑफ द शोर समुद्री तट पर दूसरी ओर लगभग एक मील दूर गुलीवर घूम रहा था इस स्टोरी में इस पॉइंट पर सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है हमारा ही वॉज़ बिगिनिंग टू फील व्योरी बिकॉज ही फाउंड नथिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन द आइलैंड उसको बहुत ज़्यादा थकान महसूस होने लग गया था क्योंकि उसने उस आइलैंड पर कुछ भी अपने इंटरेस्ट का या अपनी रुचि का कुछ भी नहीं उसको मिलता है कुछ भी नहीं वो पाता है ही हैड कम टू टू द शोर होपिंग टू डिस्कवर समथिंग इंटरेस्टिंग ऑन द आइलैंड बट द प्लेस वॉज ऑल बैरन एंड रॉकी उसको लगता था उसको उम्मीद थी कि वो कुछ ना कुछ ऐसा डिस्कवर कर लेगा जो उसके इंटरेस्ट का हो जो उसके लिए मतलब का हो उस आइलैंड पर लेकिन उसको वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता उसको वो पूरी जगह बैरन और रॉकी मिलती है यानी पथरीली और बंजर गुलीवर बिगेन टू मूव टुआर्ड्स द सी टू ज्वाइन द सेलर्स इन द बोट एज द रिटर्न टू द शिप गुलीवर सी की तरफ चलना शुरू कर देता है बोट में अपने नाविकों को ज्वाइन करने के लिए जैसी वो शिप की तरफ चलने लग जाते हैं या जाने लग जाते हैं नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा हेयर इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी टू एडवांस ए स्टेप इस तरीके से जो लाइन आपको चैप्टर में मिल जाएगी वो पूरा पैसेज पढ़ लेना उसके भी आप यहाँ पर चार क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है वॉट वॉज हेयर रेफर टू यहाँ पर जो हेयर वर्ड है वो किस चीज़ के लिए रेफर है या किस चीज़ को लिखित कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वॉज़ इट इम्पॉसिबल फॉर गुलीवर टू नेक्स्ट टू मूव फर्दर गुलीवर के लिए आगे और बढ़ना क्यों इतना इम्पॉसिबल था थर्ड क्वेश्चन है वेयर वर द रीपर्स एट दिस पॉइंट इन द स्टोरी स्टोरी में इस पॉइंट पर रीपर कहाँ था फोर्थ क्वेश्चन है हाउ डिड गुलीवर फील एट दिस मोमेंट वो डिड ही टू इस मोवमेंट पर गुलीवर ने क्या महसूस किया और उसने फिर क्या किया पार्ट ऑफ द फील्ड वेयर द कॉर्न हैड बिन लेड बाई द रेन एंड विंड बारिश और हवा के द्वारा जो कॉर्न है वो वहां पर पड़ा हुआ था उस जगह पर फील्ड के उस पार्ट के लिए ही ये हेयर वर्ड जो है रेफर किया गया है या बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर गुलीवर टू मूव फर्दर गुलीवर के लिए और आगे बढ़ना इम्पॉसिबल था बिकॉज द स्टॉक्स वर सो इंटर दैट ही कुड नॉट इवन क्रीप थ्रू दैम स्टॉक्स यानी लताएँ आपस में कुछ इस तरह उलझी हुई थी कि वो उनमें से रेंग भी नहीं सकता था द फॉलन कॉर्न प्लांट्स वर सो स्ट्रॉन्ग एंड पॉइंटेड दैट द प्योर्स थ्रू इज क्लॉथ्स इंटू हिस्ट फ्रेश वो गिरे हुए कॉर्न के प्लांट्स इतने मजबूत और नुकेले थे कि उसके कपड़ों में से भी छेद करके उसके फ्रेश तक मांस तक जो है उसने भेद डाला थर्ड द रीपर्स वर लेस देन हंड्रेड यार्ड्स बिहाइंड हिम रीपर्स उसके पीछे हंड्रेड यार्ड से भी कम दूरी पर थे एट दिस मोमेंट गुलीवर फेल्ट होली ओवरकम बाई ग्रीफ एंड डिस्पेयर इस मोमेंट पे इस क्षण पर गुलीवर जो है पूरी तरह निराशा और शोक से भर जाता है ही ले डाउन बिटवीन टू रिजिज वो दो रिजिज के बीच में लेट जाता है एंड रेगरेटेड हिज डिसीजन ऑफ अंडरटेकिंग द वोयाज अगेंस्ट द एडवाइस ऑफ हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स अपने फैमिली और फ्रेंड्स के एडवाइस पे जो उन्होंने एडवाइस किया था कि दूसरे वोयाज पे ना जाओ इस एडवाइस के अगेंस्ट में जो उसने डिसीज़न लिया था इस वोयाज पे जाने का उस डिसीजन के लिए वो बहुत ज़्यादा रेगरेट फील करता है पछतावा महसूस करता है एक्सरसाइज सी आंसर दीज क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है वाई द सीलर्स कास्ट एंकर विद इन अ लीक ऑफ द क्रिक एंड नॉट इन द क्रीक इट सेल्फ सेलर्स ने नाविकों ने एक लीक के अंदर ही क्रिक के अपना लंगर क्यों डाला और क्रीक में क्यों नहीं डाला क्रिक जो होता है मैंने आपको पढ़ा रखा था चैप्टर में क्रिक का मतलब है खाड़ी जो समुद्र के बिल्कुल एंड वाला जो हिस्सा होता है दैट इज़ कॉल्ड क्रिक और एंकर का मतलब होता है लंगर डालना यानी कि जहाँ पर शिप वगैरह को रोका जाता है दैट इज़ कॉल्ड लंगर डालना ठीक है so, सो क्रिक में क्यों नहीं डाला उससे एक लीग पहले ही क्यों डाला और लीग क्या होता है लीग एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है जो पानी के पानी वाले एरिया में जब हम डिस्टेंस को कवर करते हैं वो उसका मेजरमेंट जो होता है वो लीग से किया जाता है आंसर द सेलर्स कास्ट एंकर विद इन अ लीग ऑफ द क्रीक एंड नॉट इन द क्रीक इट्स सेल्फ बिकॉज द क्रीक वॉज टू शेलो फॉर अ शिप दैट वेट मोर देन वन हंड्रेड नाविकों ने लंगर जो है एक लीक पहले ही डाल दिया क्रीक में नहीं लगाया क्योंकि क्रीक जो है बहुत ज़्यादा शैलो था यानी कि उसमें गहराई बहुत ज़्यादा कम थी उस शिप के लिए जो कि सौ टन से भी कहीं ज़्यादा भार था जिस शिप का उसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा कम गहरा था वट डिड गुलीवर ऑब्ज़र्व जस्ट एज ही वॉज़ अबाउट टू शाउट टू द मैन इन द बोट बोट में उन आदमियों को जब वो चिल्लाने ही वाला था उसी दौरान उसने क्या ऑब्ज़र्व किया गुलीवर ने आंसर जस्ट एज गुलीवर वॉज़ अबाउट टू शाउट टू द मैन इन द बोट जैसे ही गुलीवर बोट में उन आदमियों को चिल्लाने ही वाला था ही ऑब्जर्व उसने ऑब्जर्व किया ह्यूज क्रिएचर वॉकिंग आफ्टर द मैन एज फास्ट एज ही कुड उसने देखा कि एक बहुत ही बड़ा सा क्रिएचर जो है उन उन आदमियों के पीछे जितनी जल्दी हो सकता था उतनी तेज जो है वो दौड़ के या चल के उनके पास जाने की कोशिश कर रहा था द जाट वेड इड नॉट मच डीपर दैन हिज नीज़ और उसने अपने घुटने से ज़्यादा गहराई तक आगे नहीं गया वो एंड टुक वेरी लार्ज स्टाइट और उसके कदम बहुत ही बड़े बड़े थे उसने बहुत ही लंबे कदम बढ़ाए थर्ड क्वेश्चन है व्हाट सरप्राइज्ड गुलीवर एज ही लुक्ड एट द कंट्री फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल गुलीवर को किस चीज़ ने सरप्राइज़ किया जब उसने कंट्री को हिल के टॉप से देखा वैन गुलीवर लुक्ड एट द कंट्री फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल जब गुलीवर ने हिल के टॉप से कंट्री को देखा ही वॉज सरप्राइज्ड बाई द लेंथ ऑफ द ग्रास वो ग्रास की लेंथ से सरप्राइज हो गया विच सीम्ड अबाउट ट्वेंटी फीट हाई जिसकी लंबाई या ऊंचाई लगभग बीस बीस फीट ऊंची थी Why did गुलीवर फाइंड इट इम्पॉसिबल टू क्लाइम ओवर द स्टाइल गुलीवर को ये इतना इम्पॉसिबल क्यों लग रहा था स्टाइल के ऊपर चढ़ना गुलीवर फाउंड इट इम्पॉसिबल टू क्लाइम ओवर द स्टाइल बिकॉज इट्स every step was 6 feet high and the upper stone about 20 feet high gulliver ko ye bilkul impossible lag raha tha ki is tile ke upar chadhna kyunki har kadam uska 6 feet uncha tha aur upper stone bhi lagbhag 20 feet high tha what did gulliver see as he was trying to find a gap in the hedge Hedge के बीच में gap ढूंढने की कोशिश करते वक्त Gulliver ने क्या देखा What was his reaction to it? और उसका इसके ऊपर क्या रिएक्शन था एज गुलीवर वॉज ट्राइंग टू फाइंड अ गैप इन द हेज जैसे ही गुलीवर हेज के बीच में गैप ढूंढने की कोशिश करता है हेज का मतलब होता है झाड़ियों से बना हुआ बाड़ा ठीक है so, सो जैसे उसमें वो गैप ढूंढने की कोशिश करता है जाने के लिए ही सो वन ऑफ द इन्हीबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड उसने उस आइलैंड में रहने वाले एक निवासी को देखा है इन्ेबिटेंट का मतलब होता है उसमें उस पर्टिकुलर जगह किसी पर्टिकुलर जगह में रहने वाला कोई वहाँ का निवासी ठीक है सो वो क्रिएचर वहीं का रहने वाला था इसलिए यहाँ पर ये यह ऐसा बोला गया है एडवांसिंग द स्टाइल फ्रॉम द नेक्स्ट फील्ड दूसरे फील्ड से स्टाइल की तरफ वो जा, आगे बढ़ता हुआ दिखा द मैन लुकड टू बी द सेम साइज एज द मैन हु हैड अर्लियर द बोट और उस आदमी का साइज बिल्कुल उतना ही था जो अभी थोड़ी देर पहले बोर्ड का पीछा करते हुए आदमी का था गुलीवर वॉज स्ट्रक विद द एटमोस्फियर और गुली गुलीवर जो है बहुत ज़्यादा डर की वजह से स्ट्रक हो जाता है एंड रैन टू हाइड हिमसेल्फ इन द कॉर्न और दौड़ करके ख़ुद को छुपाने के लिए वो कॉर्न कॉर्न में खुद को छुपाने के लिए दौड़ दौड़ जाता है क्वेश्चन नंबर सिक्स वट डिट गुलीवर रेग्रेट एज ही ले डाउन बिटवीन द रिज़ रिजिस के बीच में जब वो लेटा हुआ था तो गुलीवर किस चीज़ के लिए पछता रहा था या किस चीज़ के लिए रेग्रेट फील कर रहा था एज गुलीवर ले बिटवीन द रिज़ जैसे कि गुलीवर रिजिज के बीच में लेटा हुआ था ही रेगलेटेड हिज डिसीजन ऑफ अंडरटेकिंग द वोयाज अगेंस्ट द एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली उसको पछतावा हो रहा था अपने डिसीजन के ऊपर जो उसने अपने फैमिली और फ्रेंड्स के एडवाइस के अगेंस्ट लिया था वोयाज जाने के लिए क्वेश्चन नंबर सेवन हाउ डिड गुलीवर शो हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड वैन वन ऑफ द रीपर्स हेल्ड हिम इन एयर जब रीपर्स में से किसी एक ने गलीवर को हवा में ऊपर उठा लिया तो गुलीवर ने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे शो किया वेन वन ऑफ द रीपर्स रेज्ड गुलीवर इन द एयर जब रीपर्स uh, में से किसी एक ने गुलीवर को ऊपर हवा में उठाया गुलीवर शोड हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड बाई इमीडिएटली ग्रासपिंग द ग्रेविटी ऑफ हिज सिचुएशन उसने अपनी सिचुएशन को समझते हुए इमिडिएटली अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया ही शो दैट द जॉइंट होल्डिंग हिम वॉज मच स्ट्रांगर दैन हिम एंड ही को डैश हिम अगेंस्ट द ग्राउंड एन इोमेंट और वो जानता था कि जाइंट ने उसको बहुत ही स्ट्रांगली कैच किया हुआ है या होल्ड किया हुआ है और वो किसी भी क्षण जो है उसको नीचे ज़मीन पर पटक सकता है सो ग्लिवर डिसाइडेड नॉट टू स्ट्रगल टू फ्री हिमसेल्फ एज इट वॉज़ गोइंग टू बी ऑफ़ नो यूज़ और इसलिए ग्लिवर ने डिसाइड किया कि वो कोई जद्दोजहद कोई स्ट्रगल कोई कोशिश नहीं करेगा ख़ुद को फ्री करवाने के लिए ख़ुद को आज़ाद करने के लिए क्योंकि इसका कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला था ये कोई काम का नहीं था इन इसके बजाय गुलीवर रेज हिज आइज एंड प्लेस हिज हैंड्स टुगेदर इन अ अप्लीकेटिंग पोस्चर इसके बजाय गुलीवर ने अपने अपनी आंखें ऊपर उठाई रेज किया और अपने हाथ कुछ इस तरीके से जोड़े जैसे कि माफ़ी मांगने वाले पोस्चर में या फिर किसी से, से रिक्वेस्ट करने वाले पोस्चर में उसने अपने हाथ जोड़े एंड स्पोक सम वर्ड्स इन अ हम्बल मैनर और उसने कुछ शब्द बोले जो कि बहुत ही हम्बल मैनर में था ताकि रीपर को उस पर तरस आ जाए दया आ जाए तो इस तरीके से उसने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड शो किया वट डिड गुलीवर ट्राई टू टेल द रीपर हु हैड पिक्ड हिम अप इन द कौन फील्ड गुलीवर उस रीपर से क्या कहने की कोशिश कर रहा था जिसने कौन फील्ड में उसको ऊपर उठा रखा था पिक किया हुआ था डिड द रीपर अंडरस्टैंड हिम क्या रीपर ने उसको समझ लिया हाउ डू यू नो दिस और तुम्हें कैसे पता चला ये कैसे जानते हो तुम गुलीवर ट्राई टू टेल द रीपर हु हैड ब्रिक्ड हिम अप गुलीवर ने उस रीपर से कुछ कहने की कोशिश की जिसने उसको उठा रखा था दैट ही वॉज बीग एक्सट्रीमली हर्ट बाई द प्रेशर ऑफ हिज थम एंड फिंगर कि उसको बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो रहा है दर्द हो रहा है उसके थम एंड फिंगर के प्रेशर से द रीपर सीम्स टू अंडरस्टैंड हिम और रीपर ऐसा लगा समझ रहा था उसकी बात को वी नो दिस एज ही लिफ्टिड लिफ्टिड अप द लेपेट ऑफ इज कोट और हमें ये पता चलता है हम ये जानते हैं जैसे ही क्योंकि uh, जो जाइंट था उसने अपने कोट का लैपेड जो है लिफ्ट किया यानी अपने कोट का जो पॉकेट था वो आगे थोड़ा सा लिफ्ट किया खोला एंड प्लेसड गुलीवर इन जेंटली इन टू इट और बहुत ही प्यार से बहुत ही जेंटली गुलीवर को उसमें रख दिया एक्सरसाइज डी थिंक एन आंसर क्वेश्चन है Why do we think that the giant who picked Gulliver up looked upon him as curiosity? Answer could be To the giant, Gulliver must have appeared like a tiny animal or insect that one is usually worried of as might claw as it might claw or bite one. It was probably the first time that the giant was seeing someone so tiny, yet of the same shape as himself. Also, the language that Gulliver spoke was incomprehensible to the giant. All these made the giant look upon Gulliver as a curiosity. Let's come to the vocabulary part. Exercise A. Find words from the story which means the same as these expressions. यहाँ पे ये यह expressions दिए गए हैं इसका same meaning निकालना चाहिए. वो particular word आपने story से find out करना है. तो so first देखिए without vegetation मतलब barren यानी के बंजर. Very tall means lofty, बहुत ही ऊँचा. Growing very close together, yani interwoven. Next, expressed regret means lamented. Next, understand something means apprehend. Next, for a short time means a while. Next, decided firmly means resolved. Last, making a deep, long sound when one is in pain means. ग्रोनिंग जिसे कहते हैं कराहना ठीक है नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज एफ जिसमें हमें सफिक्स एड करके यूज़ करने हैं इन वर्ड्स को ठीक है सो फर्स्ट में आपका आंसर हो जाएगा क्रियोसिटी सेकेंड एस्टॉनिशमेंट थर्ड डेंजरसली फोर्थ मैंटेनेंस फिफ्थ टूरिज़म सिक्स अमिशन सेवंथ परमिशबल एट ट्रेनिंग आई होप इस चैप्टर के सारे सोल्यूशन आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग